सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। हाथों की लकीरें सिर्फ सजावट बयां करती है, किस्मत अगर मालूम होती तो मेहनत कौन करता। खुशी एक महक की तरह होती है, जब तक हम स्वयं नहीं महकेंगे दूसरों को कैसे महका सकते हैं। इसीलिए खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। जीवन में आपको रोकने टोकने वाला कोई है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग जल्दी ही उजड़ जाते हैं। आज का पंचांग 2 अगस्त 2023 दिन बुधवार, सावन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि। रात्रि 8:06 तक रहेगी। इसके उपरांत द्वितीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। श्रवण नामक नक्षत्र दोपहर 12:58 तक रहेगी। इसके उपरांत धनिष्ठा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:25 से 2:04 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा मकर राशि पर रात्रि 11:26 तक रहेगी। इसके उपरांत कुंभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कर्क राशि पर रहेंगे। मकर राशि 2 अगस्त 2023 दिन बुधवार, अध्यात्मिकता और रचनात्मकता अभी आपको प्रेरित कर रही है। काम आपके तनाव का कारण बन सकता है। रोमांस के लिए समय निकालें। अधूरे रिश्तों को समाप्त कर सकते हैं। नए अवसर और आय के नए स्रोत अब दिखने लगे हैं। चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा के कारण आज का दिन किसी भी कार्य के लिए उपयुक्त है। जिस सफलता को आप लंबे समय से पाना चाहते हैं आज आपको मिलेगी। परिश्रम से अपने सपनों को पूरा करें। यदि लोग आपके लक्ष्य पर हंस नहीं रहे हैं तो समझो आपका लक्ष्य बहुत छोटा है। आपके तरक्की में आ रही रुकावट आज दूर हो सकती है। अपनी योग्यता व कार्य क्षमता पर विश्वास रखें। निश्चित है आपको समाधान मिलेगा। कहीं रुका हुआ पैसा मिलने से आर्थिक स्थिति भी बेहतर हो जाएगी। घर के वरिष्ठ लोगों को किसी धार्मिक स्थल पर लेकर जाने का भी प्रोग्राम बनेगा। सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ रहा है, इस कारण हर एक काम आसानी से पूरा होने लगेगा। पैसों से संबंधित चिंता दूर होगी। साथ में आपकी जीवन शैली में काफी सुधार नजर आ रहा है। हर एक काम में डिसिप्लिन बनाए रखने की आवश्यकता है। अहंकार से खुद को दूर रखें। मीडिया क्षेत्र से जुड़े लोगों को उचित सम्मान मिलेगा, जिसके जरिए नए काम के अवसर मिलने लगेंगे। पार्टनर की वजह से तनाव हो सकता है, सावधानियां। किसी अप्रिय व्यक्ति के घर में आगमन से वातावरण नकारात्मक हो सकता है। बेहतर होगा कि ज्यादा मेल जोल ना ही रखें। घर के वरिष्ठ सदस्यों की सलाह व मार्गदर्शन पर जरूर अमल करें। अपने कार्य में विलम्ब होने से मन थोड़ा व्यथित रहेगा। बात करते हैं लव लाइफ की। अत्यधिक व्यस्तता के बावजूद घर परिवार को प्राथमिकता देना घर का वातावरण मधुर बनाकर रखेगा। विवाह योग्य लोगों को कोई खुशखबरी मिलेगी। नए लोगों से मिलकर आप उत्साहित महसूस कर रहे हैं। यौन सुख के अवसर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जीवन का सिद्धांत है, उसे ही मिलता है जो खोजता है। कड़ी मेहनत और अन्य कार्यों के लिए आज के दिन बेहतरीन है, मगर इनमें अपने प्रेम संबंधों को नजरअंदाज ना करें। अपने साथी के साथ खरीदारी करने या फिल्म देखने के लिए जाएं और अपने जीवन में उसके महत्व को बताएं। आप अपने संबंध को लेकर जितना प्रयास करेंगे उसका प्रभाव लंबे समय तक आप दोनों को आनंद देगा। बात करते हैं करियर की। इस वक्त मनोरंजन और आनंद आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। अपनी कल्पना और बुद्धिमत्ता का सही दिशा में प्रयोग करें। आपका रचनात्मक और शांत स्वभाव आज आपको आराम देगा और आपको तारीफों का पात्र बनाएगा। याद रखें, कभी कभी कूटनीति बिगड़े कामों को बना देती है। कार्यस्थल में मिली प्रसिद्धि आपको लंबे समय तक भौतिक सुरक्षा और सफलता प्रदान करेगी। आगे बढ़ने और अपने सपने को पूरा करने के लिए आज का दिन बढ़िया है। कुछ अप्रत्याशित करियर और नौकरी के मौके भी मिल सकते हैं। जीवन में उपलब्धियों से अधिक आपका दृष्टिकोण मायने रखता है। बात करते हैं सेहत की। घर के किसी वरिष्ठ सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी। नियमित जांच करवाएं तथा इलाज लें। पेट के जलन तकलीफ दायक भी होगी। आज का उपाय, गरीबों को आज खाना खिलाएं, शुभ रहेगा।
दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।